गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर टॉपिक, 3 ईयर एक्शन एजेंडा में जो ग्रोथ आउटलुक था फॉर 2017-18, 18-19 एंड 19-20 वो क्या था? 2017-18 में था 10% to 13% ग्रोथ इन ग्रॉस वैल्यू एडेड विद बेसलाइन ऑफ 11.6%, 2018-19 में 10.5% to 14% और बेसलाइन 12.3%, 2019-20 में 11% to 15% विद बेसलाइन ऑफ 13%। तो ये एक टेबल दिया गया है कि कितना जो परसेंटेज है टोटल एक्सपेंडिचर का आपने किस जगह पर एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन मेजर सेक्टर। जो नीति आयोग है उसने क्लासिफाई किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में, एक एग्रीकल्चर और दूसरा ट्रेड, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो ये जो मेजर सेक्टर्स थे उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बैकबोन होती है रूरल इकोनॉमी की और नियरली हाफ ऑफ इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। तो जो इम्प्रूव करना लिविंग ऑफ पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए गए और वो था कि जो इनकम है फार्मर्स की उसे डबल किया जाए बाय ईयर 2022-23 इन कंपैरिजन जो उनकी इनकम थी 2015-16 में। तो उसके लिए कौन से मेजर्स को प्रपोज किया गया था? टू डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर, इम्प्रूव की जाएगी फार्म प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटी एंड अदर टेक्निक्स। और इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इस स्कीम में जो गवर्नमेंट है उसने स्लोगन दिया हर खेत को पानी। देन रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसीज में, एक्सटेंड किया जाएगा उसका कवरेज जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और प्रमोट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट को एग्रीकल्चर की। देन उसे यूनिफाई किया जाएगा, ये हेल्प करेगी यूनिफाई करने में एग्रीकल्चर की जो मंडीज है अक्रॉस दी नेशन, उसको एक सिंगल नेशनल मार्केट बनाने में। और थ्रू ई नाम जो बायर्स हैं जो कहीं भी लोकेटेड है इंडिया में, वो परचेज कर सकते हैं किसी भी मंडी से। और ये इंश्योर किया जाएगा कि रेमुनरेटिव प्राइसेस जो है क्रॉप्स का वो फार्मर्स का को मिले, और इसके लिए एफर्ट की जाएगी कि एक डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो बिटवीन फार्मर एंड यूज़र। और यही वो क्लॉज था जिसकी वजह से जो न्यू फार्मर के लिए जो न्यू लॉ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो इनैक्ट किया गया। देन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर रिसर्च एंड प्रिसीजन फार्मिंग जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रमोट किया जाएगा ताकि जो क्रॉप का रिस्क है उसे कम किया जा सके, वेदर रिस्क, मार्केट रिस्क जो फार्मर्स को है उसे कम किया जा सके। देन जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है जैसे पोल्ट्री, पिगरी, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को सप्लीमेंट किया जा सके। रिफॉर्म्स किए जाएंगे टेनेंसी लॉज में जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और 100% कंप्यूटराइजेशन होगा लैंड रिकॉर्ड्स का जिसे प्रायोरिटी दी जाएगी। देन नेक्स्ट इज ट्रेड, इंडस्ट्री और सर्विसेज के लिए। तो जो ग्रोथ है ट्रेड, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज में वो जॉबलेस रही है पास्ट फ्यू ईयर्स में। तो जो स्टिल लार्ज साइज ऑफ जो वर्कफोर्स है उसकी जो काम जिसमें वो एंगेज्ड है उसमें लो प्रोडक्टिविटी है और लो पेड जॉब्स है। तो ये जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसके पास ह्यूज पोटेंशियल है हाई प्रोडक्टिविटी को क्रिएट करने का और वेल पेड जॉब्स को क्रिएट करने का। तो उसके लिए प्रपोज जो मेजर्स थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज या फॉर क्रिएटिंग वेल पेड जॉब्स वो क्या थे? कि अडॉप्ट किया जाएगा एक्सपोर्ट्स बेस्ड स्ट्रैटेजी को फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और इससे हेल्प मिलेगी इंडस्ट्रियल यूनिट, सर्विस एंटरप्राइजेस को कि वो बूस्ट कर सके अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को इंडिया में। देन अट्रैक्ट किया जाएगा मल्टीनेशनल फर्म्स को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया। ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा अपेरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट सेक्टर पर, जो फर्दर बूस्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन सेक्टर्स में। देन लेबर जो लॉज हैं उन्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा टू फैसिलिटेट ट्रेड, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, और यही वो क्लॉज है जिसकी वजह से जो आपके लेबर लॉज हैं उसमें चेंजेस किए गए हैं एट प्रेजेंट। तो
टू लार्ज साइज्ड कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन्स को सेटअप किया जाएगा, एक ईस्ट कोस्ट में और दूसरा वेस्ट कोस्ट में। देन नेक्स्ट है आपका रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने सेपरेट रीजनल स्ट्रेटजीज को फ्रेम किया ताकि जो अर्बन डेवलपमेंट है उसको बूस्ट किया जा सके और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की जा सके। और उसके लिए क्या क्या टारगेट्स रहे थे, अर्बन डेवलपमेंट के लिए डेवलप करना 100 स्मार्ट सिटीज को बाई ईयर 2019-20। देन प्रमोट करना स्वच्छ भारत मिशन को ताकि जो एलिमिनेट आप कर सको ओपन डिफेक्शन को बाय 2 अक्टूबर 2019। प्रमोट करना सेफ ड्रिंकिंग वाटर को, सीवरेज, ग्रीन पार्क्स, बेटर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट को। प्रमोट करना हाउसिंग फैसिलिटी को, प्रोवाइड करवाना हाउसिंग फैसिलिटी सभी को बाय ईयर 2022। स्ट्रेंथन करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसे कम किया जा सके और जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है उसे कम किया जा सके। देन प्रमोट करना स्किल डेवलपमेंट को पॉपुलेशन की अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और ये जो मिशन है वो प्रमोट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग दी अर्बन पुअर। देन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर प्रोवाइड करना हाउसिंग फैसिलिटी सभी को बाय ईयर 2022 अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रमोट करना सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज एंड सैनिटेशन को। प्रमोट करना स्किल डेवलपमेंट को रूरल पॉपुलेशन में अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और ये जो मिशन है वो प्रमोट करेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग रूरल पुअर। देन स्ट्रेंथन करना मनरेगा को फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट एंड फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज फॉर रूरल पॉपुलेशन। प्रोवाइड करवाना इलेक्ट्रिसिटी एवरी विलेज को बाय ईयर 2018। कनेक्ट करना सभी विलेजेस को बाय ऑल वेदर रोड्स बाय ईयर 1920। प्रमोट करना डिजिटल लिटरेसी को, डिजिटल कनेक्टिविटी को अमंग रूरल एरियाज। प्रमोट करना स्वच्छ भारत मिशन को ओपन डिफेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए बाय 2 अक्टूबर 2019। स्पेशल एम्फेसिस को ले किया जाएगा ऑन रूरल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, कोस्टल एरियाज, नॉर्थ हिमालयन स्टेट्स, डेजर्ट एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज। देन ग्रोथ एनेबलर्स के लिए क्या था, नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किए 5 ग्रोथ एनेबलर्स जो प्रमोट करेंगे पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, और वो क्या क्या थे, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में क्या टारगेट्स आपके रखे गए कि एक्सपैंड किया जाएगा रोड नेटवर्क को स्पेशली इन रूरल एरियाज, इम्प्रूव करेंगे मेंटेनेंस ऑफ हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज को, डेवलप करेंगे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स रेलवेज में, डेवलपिंग हाई स्पीड ट्रेन्स, डेवलपिंग सिविल एविएशन, शिपिंग सेक्टर एंड पोर्ट्स। देन डिजिटल कनेक्टिविटी में प्रमोट करना ई गवर्नेंस को और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी को, इन्हांस करना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे रिलायबल इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, मोबाइल नेटवर्क पेनिट्रेशन, वाईफाई नेटवर्क एसेट्रा। देन प्रमोट करना डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस को, स्ट्रेंथन करना साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन को। देन ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रमोट करना ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को इन सेक्टर्स लाइक हाईवेज, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हेल्थ केयर, वेस्ट डिस्पोजल एसेट्रा। इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजॉल्वल मैकेनिज्म बनाना फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट सेक्टर पार्टनर एंड पब्लिक सेक्टर पार्टनर। स्ट्रीमलाइन करना क्लियरेंस ट्रिपल बी प्रोजेक्ट्स की, फास्टर और ट्रांसपेरेंट क्लियरेंस करना प्रोजेक्ट एप्लीकेशंस की। देन एनर्जी के लिए ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रिसिटी, कोल, गैस, पेट्रोल, डीजल एसेट्रा, और इसमें जो प्रपोज किए गए मेजर्स फॉर फास्टर डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी सेक्टर वो थे कि इलेक्ट्रिसिटी लेके आना हर एक विलेज में बाय ईयर 2018 एंड टू एवरी हाउस होल्ड बाई 2022। इंक्रीज करना एनर्जी जनरेशन को, स्ट्रीमलाइन करना उसकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को। प्रमोट करना यूज़ LED लाइट्स का टू अचीव एनर्जी एफिशिएंसी। प्रोवाइड करवाना LPG 50 मिलियन BPL हाउसहोल्ड्स को बाय ईयर 2019। इंक्रीज करना कोल प्रोडक्शन को, प्रमोट करना रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एसेट्रा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए था इंक्रीज करना रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को टू प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एस्टैब्लिश करना क्लोज लिंक अमंग टीचिंग, रिसर्च एंड इंडस्ट्री। देन क्रिएट करना अवेयरनेस अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देन नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट।
इसमें क्या थे आपके टारगेट्स या स्टेप्स, दैट इज कि ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट गवर्नेंस जो है वो हेल्प करेगी इकोनॉमी को अचीव करने में फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऑनेस्टी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, करप्शन को कम करना है ताकि एफिशिएंसी प्रमोट हो सके इन दी वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो उसके लिए फॉलोइंग जो एक्टिविटीज़ है वो हेल्प करेंगी गवर्नमेंट को टू प्रमोट दी पेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रमोट किया जाएगा ई गवर्नेंस को और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी को, इम्प्रूव किया जाएगा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्लैक मनी को कम किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा करप्शन फ्री सोसाइटी, मिनिमाइज करना डिस्क्रिशनरी पावर्स को ऑफिसर्स की और क्लियरली डिफाइन करना रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सेट करना टाइम बाउंड स्पेसिफिक गोल्स फॉर एवरी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, इम्प्लीमेंट करना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इन ऑल वेलफेयर स्कीम्स, प्रमोट करना स्वच्छ भारत मिशन को और एंड करना ओपन डिफेक्शन को बाय 2 अक्टूबर 2019, यूज़ करना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन जुडिशियल सिस्टम एंड डिलीवरी ऑफ स्पीडी जस्टिस के लिए, देन प्रमोट करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, सिंप्लीफाई करना मिनिमाइज करना प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ को, देन ख़त्म करना बाहर निकालना जो भी आपके पुराने डिसफंक्शनल एलिमेंट्स हैं लेजिस्लेशन में, और यूनिफाई और हार्मोनाइज करना लॉज को, इम्प्रूव करना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, अचीव करना ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स में, देन प्रिवेंट करना एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट इज सोशल सेक्टर के एरिया में क्या है। सोशल सेक्टर इंक्लूड करता है आपकी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर एंड वेलफेयर, सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ का। तो जो मेन प्रपोजल ऑफ एक्शन एजेंडा था रिगार्डिंग सोशल सेक्टर्स वो क्या था, सबसे पहले एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल हब बनने की फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स। बाय द ईयर 2020 जो इंडिया है वो यंगेस्ट कंट्री होगा वर्ल्ड में विद एवरेज एज ऑफ 29 ईयर्स। तो इस बेनिफिट को जो यंग वर्कफोर्स का है उसे अचीव करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसे प्रमोट करना पड़ेगा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को। और इसके लिए क्या मेजर्स प्रपोज किए गए, इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, प्रमोट करना रिसर्च को हायर एजुकेशन में, फोकस करना वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन पर, प्रमोट करना स्किल इंडिया इनिशिएटिव स्कीम को ताकि इम्प्रूव की जा सके एम्प्लॉयबल स्किल्स पॉपुलेशन की, देन हेल्थ केयर में एम्फेसिस था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा, देन क्यूरेटिव हेल्थ केयर, देन मोर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना पब्लिक हेल्थ पे टू प्रोवाइड बेटर एसेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एसेस टू मेडिसिन, प्रमोट करना आयुष को, क्वालिटी सर्टिफिकेशन करना पब्लिक हॉस्पिटल्स का, इंट्रोड्यूस करना ग्रास रूट लेवल पे मेल हेल्थ वर्कर्स को जो सप्लीमेंट करेंगे आपके आशा वर्कर्स को एट विलेज लेवल, देन एलिमिनेट करना ओपन डिफेक्शन को बाय 2 अक्टूबर 2019, अपग्रेड करना नॉलेज ऑफ डॉक्टर्स को और जो मेडिकल स्टाफ जो वर्क कर रहा है हॉस्पिटल्स में उनकी नॉलेज को अपग्रेड करना। देन नेक्स्ट आता है हेल्थ गोल्स जो अचीव किए जाने थे बाय ईयर 2020, रिड्यूस करना मेटरनल मॉर्टेलिटी रेशो को, देन रिड्यूस करना इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को, रिड्यूस करना अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट जो था 234 पर 1000 लाइफ बर्थ, रिड्यूस करना टोटल फर्टिलिटी रेट को टू 2.1। देन नेक्स्ट इज बिल्डिंग मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। एक्शन एजेंडा जो नीति आयोग का था वो बेस था ऑन द डेवलपमेंट विजन जो प्राइम मिनिस्टर का था, सबका साथ सबका विकास, दैट इज बेनिफिट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस जेंडर का है, कास्ट, एज, रिलीजन का है। तो पार्टिसिपेशन जो वुमेन का है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसे इनकरेज किया जाए, सेफ्टी वुमेन की, प्रोटेक्शन करना चाइल्ड राइट्स की उसे स्पेशल प्रायोरिटी दी जाए, एफर्ट्स की जाए कि प्रमोट हो वेलफेयर माइनॉरिटीज का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का। देन सस्टेनेबिलिटी, कंट्रोल करना एयर पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को, नॉइस पॉल्यूशन को, बेटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, इम्प्रूव करना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना वाटर रिसोर्सेज की, दैट इज़ की इम्प्रूव करना वाटर यूज एफिशिएंसी को और अवॉइड करना वाटर वेस्टेज को ताकि इंश्योर किया जा सके सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी कमिंग जनरेशंस के लिए। तो इसके साथ जो आपका चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।